ताला डला। इस टाइम चांद कहाँ जा सकती है? उसकी भी बैटरी अभी बंद होनी थी। सुनो, कुछ पता चला चांद कहाँ जा सकती है? मुझे कुछ अंदाजा नहीं है वो कहाँ जा सकती है। मैं कब से उसको फोन कर रहा हूँ, उसका फोन मुस्तकिल ऑफ आ रहा है। हो सकता है कि मोबाइल ऑफ हो गया हो। तुमने उसको रोका क्यों नहीं? कम से कम तुम तो उसको रोकती यार, इस हालत में क्यों तुमने उसको जाने दिया? उसे तो डर लग रहा है कहीं किसी ने उसका मोबाइल ना चोरी कर लिया, कोई हादसा ना हो गया। कूल डाउन, इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। जब तक मैं तसल्ली ना कर लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। हो सकता है कि वो सिकंदर के पास चली गई हो। उसके पास क्यों जाएगी? जाहिर सी बात है, उसके अलावा कोई ठिकाना भी नहीं उसका। कॉल करो उसे। सिकंदर का मोबाइल तो स्विच ऑफ है। मैं एड्रेस पता उसको देता हूँ। एक बार नोट्स लेने गई थी उससे, थोड़ा थोड़ा याद है। चल। कहाँ जा रहे हैं हम? तुम दोनों इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? सिकंदर, चांद और आयशा यहाँ हैं। नहीं, मैं तो खुद उसके घर से आ रहा हूँ, ताला डला हुआ था। लेकिन चांद और आयशा क्या हुआ है? सिकंदर, मालिक मकान ने चांद को घर से निकाल दिया। इतनी रात को वो आयशा को लेकर पता नहीं कहाँ चले गई है। हमने सोचा शायद तुम्हारे पास आए होंगे। तुम क्या कह रही हो? ये सारी बातें तुम्हें किसने बताई? मैंने खुद देखा था दोनों को परेशान हालत में जाते हुए। रोका भी था उसे मगर वो नहीं रुकी। नाराज है मुझसे। और फिर मैंने तुम्हारा नंबर ट्राई किया मगर तुम्हारा मोबाइल ऑफ था, इसलिए हम यहाँ आ गए। इसीलिए चांद मुझे फोन कर रही थी। चांद ने तुम्हें कॉल की थी? हाँ, उसका मेरे पास फोन आ रहा था लेकिन मेरा फोन चार्ज में था, साइलेंट में था। मैंने जब उसे कॉल की तो उसका नंबर ही बन जा रहा था। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है यार कि मालिक मकान ने उसे घर से बाहर निकाल दिया? चांद पे कितने महीने का रेंट चढ़ गया था? यही कोई 2-3 महीने का। इसका मतलब ये तो नहीं कि मालिक मकान बगैर नोटिस दिए उसे बाहर निकाल दे? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जब इतना सारा रेंट चढ़ चुका था? तुम्हें क्यों बताता? तुमने ही तो उसकी जिंदगी अजाब की हुई है। अगर चांद को कुछ हुआ राहिल, तो मैं तुझे चांद से मारूंगा। राहिल, उसको गिरबान छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम दोनों? इस वक्त चांद की फिक्र करनी चाहिए तुम दोनों को, आपस में लड़ रहे हो। परेशानी किसी मसले का हल नहीं होती। हमें तसल्ली से सोचना पड़ेगा कि अब क्या करना है। तुम हर वक्त चांद के साथ होते हो, उसके आगे पीछे फिरते रहते हो। तुमने मुझे बताया था किराया मैं दे देता। ये तुम फिर से शुरू हो गए हो राहिल? उस मालिक मकान के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एड्रेस जानते हो तुम उसका? हर वक्त तुम्हारे दिमाग में गुस्सा सवार रहता है, हर वक्त लड़ते रहते हो। कभी आराम से भी बात कर लिया करो। जितना तुमसे पूछो उतना बताओ। हाँ, जानता हूँ उसका एड्रेस, अभी दे देता हूँ, जाके उससे भी लड़ना शुरू कर दो तुम। हर किसी से लड़ना है तुम्हें बस। काम करते हैं, तुम दोनों इस तरफ जाओ, मैं यहाँ पे देखता हूँ।
अल्लाह अकबर। अरे कौन हो तुम? बस हम थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ गए थे, बस जा ही रहे हैं। बेटा घर कहाँ है तुम्हारा? घर मौलवी साहब, हमारा कोई घर नहीं है। बेटा तुम तो बड़ी परेशानी में लग रही हो, लाओ लाओ ये बच्चा भेजो। आपको दूं? बेटा घबराओ नहीं, बेटा मैं इस मस्जिद का इमाम हूँ, ये पीछे ही मेरा घर है, मेरी बीवी बच्चे हैं। बेटे मुझ पे इतबार करो, बेटा घबराओ नहीं, आओ बेटे आओ, आओ, आओ मेरे साथ, घबराओ नहीं, आओ बेटे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे भाई रो क्यों रही हैं ये? लो बेटा ये दूध है बच्ची के लिए। बेटा मुझे तो इस बारे में अब इतना पता नहीं है, दुकानदार ने कहा कि ये आजकल सबसे अच्छा दूध है बच्चों के लिए, नौजायदा बच्चों के लिए। बेटे घबराना नहीं है, अपने घर में रहो इंशाल्लाह। चलो बेटा इन्हें दूध पिलाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या खिदमत कर सकता हूँ? जरा बाहर हो, मैं बताता हूँ क्या खिदमत कर सकते हो तुम। ये क्या बदतमीजी है, और कौन है आप लोग? मैं कह रहा हूँ ना बात चाहिए। अंकल कल रात को आपने चांद को घर से निकाल दिया, निकालने से पहले एटलीस्ट नोटिस तो देते, अब वो रात से मिल नहीं रही है। अगर कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार आप हो। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? उन पे 4 महीने का किराया चढ़ चुका था और मैंने 1 हफ्ते का नोटिस दिया था, बल्कि 1 दिन जाके मजीद दिया। अब उसके बाद उनके साथ क्या होता है, वो कहाँ जाते हैं, ये मेरा दर्द सर नहीं है। ये ऐसे नहीं मानेगा इसको, मैं बताता हूँ, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ अभी। अरे ये क्या हो रहा है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने मेरी बहन और भतीजी को पनाह देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। अरे हजरत एहसान की क्या बात है भाई, इंसानियत के नाते मदद करना भी तो हमारा फर्ज बनता है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, हमारा बीवी भी तो यही सिखाता है। जी जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। चांद माशाल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची है, इस बात की खुशी है कि यहाँ से महफूज अपनों के पास जा रही है। मियाँ दुख इस बात का है कि ये चंद पल के लिए तो हमारे यहाँ आई, बगैर किसी खिदमत का मौका दिए अब जा भी रही। आप लोगों से मुझे जो अपनायत मिली है वो हर चीज से बढ़कर है। अच्छा मौलाना साहब अब हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह ताला आपको इस नेक अमल का अजर जरूर देगा। आमीन आमीन। आइए हजरत मैं आपको ले चलता हूँ। अरे भाई देखो ये बच्ची जा रही है, इसको मिल तो लो आके। अब आई हजरत मैं आपको ले चलता हूँ। जी आई बेटा, ये रख, ये चंद पल मेरे लिए बहुत कीमती थी, ऐसा लगा कि मैं अपनों में आ गई। अच्छा चांद बेटा हमें भूलना मत,
और हो सके तो आती जाती है। मेरी इस छोटी सी गुड़िया का तो बहुत ख्याल रखता। खुदा हाफिज़। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। अल्लाह तुम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज चलो सीधा खड़े हो। चलो अंदर चलो। तुम लोगों को पता है किससे दुश्मनी ली तुम लोगों ने? ये हाजी बड़ा असर सूख वाला आदमी है, जिससे दुश्मनी करता है उसकी जिंदगी अजाब बना देता है अजाब। वो तो तुम लोग टाइम पर आ गए, वरना उस बुड्ढे को तो मैं जान से मार देता। और लगता है तुम्हारा कभी पुलिस वालों से वास्ता नहीं पड़ा, नहीं तो तुम पुलिस वालों से कभी इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं करते। जी दीदी। SHO साहब कहाँ पर हैं? SHO साहब राउंड पे गए हैं। आप अंदर बैठिए, वो जैसे आते हैं मैं आपको मिलवाता हूँ। शुक्रिया। ये हक तुम्हें किसने दिया राहिल कि तुम जाके लोगों से लड़ाइयाँ करो, मारपीट करो? चांदो लातों के भूत, सिर्फ बातों से नहीं मानते, मैंने सिर्फ इसलिए कहा ताकि उसको एहसास हो कि उसने गलत किया तुम्हारे साथ। तो तुम कौन हो राहिल? कौन सा भूत हो तुम जो ना बातों से मानता है और ना ही मिन्नत समाज से? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ राहिल, मेरे मामलात में मुदाखलत करना बंद करो। चांद, मैं इस लड़ाई का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें ढूंढने गया था बस। इसकी वजह से हो रहा है। मैं जानती हूँ सिकंदर कि तुम बेकसूर हो, तुम अपनी सफाई मत पेश करो। चांद, मैं तो हर उस इंसान को सबक सिखाऊंगा जो तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंचाएगा। मतलब तुम मेरा तमाशा बनाओगे? मेरी जिंदगी अजाब बना के रख दिए तुमने राहिल, अब मुझे बदनाम करना चाहते हो? क्या कह रही हो तुम? मुझे तो लग रहा था तुम आके मुझे फिर शुक्रिया अदा करोगे। तुम मुझे गलत समझ रही हो। अरे मैं तो तुम्हारी वजह से यहां लॉकअप में बंद हूं। जान, तुम्हारे लिए जीना चाहता हूं, मरना चाहता हूं, सारी दुनिया से लड़ना चाहता हूं। तुम मेरे लिए ऐसा सोच रही हो? नहीं चाहिए मुझे तुम जैसा जीने और मरने वाला इंसान अपनी जिंदगी में रहे। मैं अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़ना चाहती, और हो सके तो मेरा पीछा छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा चांद, तो मुझे गलत समझिए, मैं मानता हूं मेरा तरीका गलत था, लेकिन सब कुछ तो मैंने तुम्हारे लिए किया। उसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई थी, मैं तो उसको जान से मार देता। बस कर दो यार, तुम हर जगह तुम यही करते रहते हो। सिकंदर, मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह थाना और कचहरी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आज इस शख्स की वजह से ये दिन भी देख लिया। मैं जाकर SHO साहब से तुम्हारे लिए बात करती हूँ। पास पास रह कर तन्हाई पूछती है दिल क्यों ये जुदाई। राज भाई, आप? अरे चांद, तुम? पर आप यहाँ कैसे? एक हफ्ता पहले हुआ है मेरे यहाँ ट्रांसफर हुई है, जुनेद भाई के इंतकाल में आया था।
ताजियत भी की थी, लेकिन आप लोग सदमे में थे तो बात नहीं कर सका। लेकिन तुम यहाँ थाने में, खैरियत तो है? इजाज भाई मेरा क्लास फेलो यहाँ पर है, किसी गलत फहमी की वजह से उसे यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है, उसे ही रिहा करवाने आई थी। किन लोगों की बात कर रही है ये? सर वो दो लड़के जो सुबह पकड़े हैं। अच्छा, जाओ उन्हें लेकर आओ, और एक काम करो, चाय भी बोल देना। जी सर। सुनो, तुम दोनों को साहब ने बुलाया। चांद, ये सिकंदर है? जाज भाई सिकंदर ये नहीं, ये है। मैं सिकंदर को रिहा करवाने आई, मुझे इस शख्स से कोई गर्ज नहीं। लेकिन ये भी तो इसके साथ था। ये साथ था इसलिए गलतफहमी में पकड़ा गया, सारा कसूर इसी शख्स का है। अच्छा। इसका तो शौक है लोगों को परेशान करना, उनसे लड़ाई झगड़े करना। मैं यहाँ सिर्फ सिकंदर के लिए आई हूँ, और बाकी रही इस शख्स की बात, तो इसे जो सजा देना चाहे आप दे सकते हैं। अगर मेरा बस चले तो मैं इसे ऐसी सजा दूं कि ये जिंदगी भर याद रखे। मेरा इस शख्स से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, फिर तो तुम्हारी वजह से यहां पर हूं, और तुम मुझे सजा दिलवाने की बात कर रही हो। ले जाओ इसे दोबारा, लॉकअप कराओ।